क्या इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब्स का नॉलेज होना जरूरी है? और अगर है तो क्यों है? इसका मतलब क्या होता है? और ये कितने प्रकार की होती हैं? और वर्ब्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मतलब ये जो वर्ब्स हैं इनको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वर्ब्स सीखना है, वर्ब्स के बारे में जानना है कि इंग्लिश में वर्ब्स की इम्पोर्टेंस है या नहीं बोलने वाली इंग्लिश में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना कोई देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो वर्ब्स है, सबसे पहले तो हम इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं। वर्ब्स की स्पेलिंग जो होती है ना वो ये होती है, VERBS, वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, हिंदी में इसका मतलब क्रिया होता है। और अगर हम सरल हिंदी में बताएं तो क्रिया मतलब काम। ठीक है, काम। ठीक है, और वापस से अगर हम हमारे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आए तो हम इसे बोलेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्यों? क्योंकि वो शब्द जिसमें एक्शन हो रहा हो, तो वो शब्द जिसमें कोई काम हो रहा हो, उन शब्दों को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना, सुनना, देखना, बोलना, लिखना, चलना। ठीक है, ये सब क्या है? काम है। ठीक है, जैसे मैं टीवी देख रही हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ? देखने का। मैं गाने सुन रही हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ? सुनने का। मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ? लिखने का। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ? बोलने का। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है उस काम को हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो और नॉलेज अगर आपको लेना है तो देखिए ये जो वर्ब्स है, सबसे पहले तो इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे कि हमको इजी हो जाए कि वर्ब्स क्या होता है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। और एक बात और सुन लीजिए कि वर्ब्स को याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब्स का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हो जाती है। ठीक है, वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज हो जाती है, तो वर्ब्स का फुल नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, राम भोपाल जा रहा है। ठीक है, राम भोपाल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या काम हो रहा है? राम के द्वारा क्या काम हो रहा है? जाने का, जाने का। ठीक है, तो ये जो जाना है ये क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। इसके बाद एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मम्मी खाना बना रही है। मम्मी खाना बना रही है, तो इसमें मम्मी क्या कर रही है? खाने को बना रही है, तो इसमें बनाना, खाने बनाने को हम क्या बोलते हैं? कुक। ठीक है, तो ये जो बनाना है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, तो इसमें गाना जो है, गाने को गाना, ये एक वर्ब है। इस मतलब कि एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब का मतलब होता है कि वो एक सेंटेंस में वो शब्द जिसमें जो काम का है, मतलब जिसमें काम हो रहा है। जैसे राम गाना गा रहा है, सीता खाना खा रही है, तो खाना गाना। या फिर मैं सो रही हूं तो सोना, राम लिख रहा है तो लिखना। ठीक है, तो ये सब क्या है? काम है। काम है मतलब ये वर्ब्स। ठीक, तो ऐसे शब्द जिसमें काम हो रहा हो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। अब हम
ये जो वर्ब्स होती हैं ये तीन प्रकार की होती है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, तो ये जो तीन प्रकार है इसका नॉलेज लेना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश को बोलना सीखना है, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलेंगे तो कहीं पर भी कोई सा भी फॉर्म हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले फुल आप नॉलेज लीजिए वर्ब्स का, उसके बाद ही इंग्लिश को बोलना चालू कीजिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ खास जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं हमारे नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसमें, के वर्ब्स जो है कितने प्रकार की होती है और जो खास खास जो कॉमन वर्ड्स है वो क्या क्या है, जो कॉमन वर्ब्स जो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जो पहली कॉमन जो वर्ब है वो है गो, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन। ये याद करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस में मैं टेंस आपको बताऊंगी। तो मतलब कि सेंटेंस जो है सेंटेंस को बनाते कैसे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गो वेंट गोन ये तीन फॉर्म्स होते हैं, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। और जैसे एक और खास इम्पॉर्टेंट जो वर्ब है वो है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकेंड फॉर्म होती है प्लेट और थर्ड फॉर्म वापस से प्ले। इसके बाद कम। कम का मतलब होता है आना। कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म अगेन कम। और कुक, सी डबल ओ के कुक। कुक मतलब खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं कुक। तो कुक की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, सेकेंड फॉर्म होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो कई सारी जो वर्ब्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रहती है, जैसे कि कुक है तो कुक की सेकेंड फॉर्म कुक्ड कुक्ड, मतलब ये ईडी लग जाता है। जैसे प्ले है तो प्ले में प्लेड प्लेड, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स तो ऐसी रहती है कि बहुत ही सिंपल रहती है, मतलब कि उनको याद करना बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। तो वर्ब्स तो आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगी, इनकी जो फॉर्म्स है वो तो आप जहाँ पर भी सर्च करोगे आपको मिल ही जाएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इनको इन तीनों फॉर्म्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, अब हम लोग इसका इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो वर्ब्स आप याद कर लीजिएगा, ये पक्की बात है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो वर्ब्स का नॉलेज भी लेना है। वैसे मैं अपनी पहली वीडियो में ये कह चुकी हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले उसको फर्स्ट डे से बोलना शुरू कर दो, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो फर्स्ट डे से ही बोलना शुरू कर दो, ठीक। और इसके बाद जो भी छोटी मोटी जो ग्रामर पार्ट है जो जिसका नॉलेज लेना हमको ज़रूरी है तो वो भी साथ ही साथ जारी रखिए। तो ग्रामर पार्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए वो मैं सीरियल वाइज आप लोगों को पढ़ाते जा रही हूँ। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये सब क्या होते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज मेरी ये तीसरी वीडियो है, इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ कि वर्ब्स क्या होती हैं, क्योंकि वर्ब का नॉलेज लेना हमको ज़रूरी है। और इसके आगे वाली वीडियो में बताऊंगी कि WH फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ जो इंग्लिश बोलने में काम आने वाली है। मैं वो ग्रामर पार्ट को यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं सारी ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ उसी ग्रामर को पढ़ा रही हूँ जो इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे से ही इंग्लिश को बोलते रहिए, साथ ही साथ आप ग्रामर भी सीखते रहिए। तो ये वर्ब्स मैंने आज आपको बताया, इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था राम भोपाल जा रहा है, मैंने आपको गो की तीन फॉर्म्स बताई थी,
फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी वो सेंटेंस बनाते कैसे ये तो आपको टेंस के माध्यम से सीखना है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि तीनों फॉर्म्स, ताकि आपको पता बिल्कुल श्योरिटी हो जाए कि कहीं पर भी कोई सी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, इसलिए हमको वर्ब की फॉर्म जो है उसको याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, राम भोपाल जा रहा है, राम इज गोइंग टू भोपाल। अब आप बोलेंगे गोइंग ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गोइंग है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जी हाँ, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो कभी फोर्थ फॉर्म सुनी ही नहीं, लेकिन नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो की फर्स्ट फॉर्म गो थी, सेकेंड फॉर्म वेंट थी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो है गोइंग, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, गो, वेंट, गोन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। तो फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है, फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है। तो जब हमें ऐसा सेंटेंस बोलना है राम भोपाल जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, राम इज गोइंग टू भोपाल, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी, मतलब मैं एक एक करके आपको ये जितनी भी फॉर्म्स है ना इसका यूज करना बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ फॉर्म्स तो याद करना जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम गो का यूज करेंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब आप बोलेंगे सेंटेंस बन कैसे रहे, तो ये सेंटेंस जो बनाना सिखाना है ना ये मैं आपको टेंस में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको वर्ब का यूज बता रही हूँ कि गो को कहाँ यूज करते हैं, वेंट को कहाँ यूज करते हैं, गोन को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेंट से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने बोला बच्चे स्कूल जाते हैं, अब मैं क्या बोलूंगी, बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए। तो इसका जो सेंटेंस मैं बनाऊंगी वो क्या बनाऊंगी, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। तो यहां पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर दी, मतलब यहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करा है और यहां पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करा है। यहां पर इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगी, जहां पर गोन का यूज होगा। तो गोन का यूज कहां पर होगा, जब मैं एग्जाम्पल लेंगी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अगर मुझे कहना है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं क्या कहूंगी, Children have gone to school. Children have gone to school. ठीक है, तो यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म ले लिए गोन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मैंने यहां पर किया है। तो इस अभी आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेंटेंस बन कैसे रहे, ठीक है, ये सब मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंटेंस रहते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सबका यूज होता है, इसीलिए आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स अच्छे से याद करनी है, वो आपको कहीं पर भी